निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनिधि नियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। बताते चलें कि भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में चल रहे उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति पर आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर एसएसपी मैनपुरी और इटावा से स्पष्टीकरण मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव से प्राप्त अभ्यावेदन के संदर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोग ने चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे अरुण गोयल के साथ विचार विमर्श के बाद बहुत सारे निर्देश भी दिए हैं। बताते चलें कि एसएसपी मैनपुरी उक्त स्थानांतरण एवं नियुक्ति नीति के अंतर्गत आने वाले उप निरीक्षक सुरेश चंद्र कादिर शाह, सुधीर कुमार, सुनील कुमार सत्यभान एवं राजकुमार गोस्वामी को संबंधित विधानसभा क्षेत्र जहां वे वर्तमान में तैनात हैं से तत्काल उन्हें कार्यमुक्त करें। आगे उन्होंने कहा है कि एसएसपी मैनपुरी आयोग को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति करते समय आयोग के मौजूदा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि एसएसपी इटावा इस बात पर अपना स्पष्टीकरण दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आयोग की पूर्व अनुमति के बिना चार थानों वैदपुरा, भरथना, जसवंत नगर और चौबिया के एसएचओ की लंबी छुट्टी देने के मामले में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। उत्तर प्रदेश के एक मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि 21 मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए चल रहे उपचुनाव से संबंधित सुरक्षा बल की तैनाती संबंधित जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर की देखरेख में रेंडमाइजेशन आदि की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सख्ती से की जाए। स्थानीय पुलिस बल का रेंडमाइजेशन निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग के मौजूदा निर्देशों की आधारशिला है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु चुनाव वाले सभी जिलों के डीईओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि आयोग के मौजूदा निर्देशों, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन किया जाए।